आज के वीडियो में दोबारा से आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश वाला। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं डिस्कवरिंग टट द सगा कंटिन्यू चैप्टर का पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो बना चुका हूँ। अब यह पार्ट थ्री वीडियो है और इन सभी वीडियो में मैं MCQ क्वेश्चन केवल दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन। जब टट के बॉडी को स्कैन किया जा रहा था उस समय बीच में स्कैनिंग प्रोसेस को रोकना पड़ा क्यों? एज स्पियर फैन स्टॉप्ड वर्किंग। स्पियर जो फैन था वह काम करना बंद कर गया था। एज द लाइट वेंट ऑफ, लाइट खत्म हो गया था, ऑफ हो गया था। एज द लिफ्ट ब्रोकन, लिफ्ट ब्रोक हो गया था। नन ऑफ द एबव। व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम आफ्टर सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के बाद टट के बॉडी को कब वापस ले जाकर टॉम में रखा गया? आफ्टर अ डे, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स। ये सब आप लोगों को क्लास में बताया गया है। व्हाट इज द सेमेट्री ऑफ टट कॉल्ड। टट को जहाँ पर दफनाया गया था उस जगह को क्या कहा जाता है? वैली ऑफ द किंग्स, टट्स रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग पीस, वैली ऑफ फ्लावर्स। हाउ डिड टट डाई। टट मरा कैसे? इट इज अ मिस्ट्री। यह अभी तक पता नहीं चला, यह एक रहस्य है। ड्यू टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के कारण। ड्यू टू कैंसर, कैंसर के कारण। ड्यूरिंग अ वार, वार के दौरान। हु सेड द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डेड इट इन द 1920। कौन कहा कि मम्मी का कंडीशन बहुत बुरा है क्योंकि कार्टर ने 1920 के दशक में जो किया उसके चलते। अ कार्टर, यही हवास, एन एनाटोमी प्रोफेसर, अ इजिप्ट हिस्टोरियन। टट वाज लेड टू रेस्ट लेडन विथ डॉट 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 अ प्लेटिनम, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। व्हेन डिड टट डाई। 22,000 ईयर्स एगो, मोर देन 33,000 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो, 16,000 ईयर्स एगो। व्हाट वाज टट लेवाइज्ड विथ गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स, लॉर्ड्स ऑफ ज्वेल्स, ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रोन, सैंडल्स, सेट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, एक्सपेंसिव क्लोथिंग्स। हु इज ओसिरिस, गॉड ऑफ नेचर, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ सीजन्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। ओसिरिस कौन है? नेचर ऑफ, गॉड ऑफ नेचर, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ सीजन्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो यू डोंट फॉरगेट टू गिव द आंसर ऑफ रिजल्व क्वेश्चन थ्रू द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।